तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। गुंडे हो तुम, चल चल तुझको बताता हूँ मैं, दो तीन दिन के अंदर हटाने के लिए। कसियो हुए कुमारी तो कहा मिली तो कहा पर भाई आए मातक मामा आए सिद्धू भैया भी नहीं सिस्टम ठीक चल रहा है इधर लगे हैं कर शिवराज सिंह से मिलेगी नहीं सांस के परसों कुछ नहीं दो निकले जाए थे गाड़ी हमें दवाई से तुम मॉनिटर है 3-5 का इलाज है पर कांग्रेसी जनक पंक्ति बजिया फरार गई। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। एक बार फिर एक ऐसी बड़ी खबर लेकर हाजिर हुई हूं, जो विगत 4 माह से राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम आपको सुनाएंगे सिरमौर जनपद सीईओ के साथ हुए हमले के बाद आरोपी बनाए गए अपराधियों के बीच हुई चर्चा, जिसे सुन आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर प्राण घातक हमला करवाने में और अपराधियों को बचाने में विधायक केपी त्रिपाठी मुख्यमंत्री तक से दबाव बनवाने में लगे रहे। दरअसल कुछ ऑडियो विराट 24 के हाथ लगे हैं, जिनकी सत्यता की जांच अगर पुलिस प्रशासन ईमानदारी से करे तो बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि जो FIR दर्ज करने में आनाकानी करता रहा और कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा तो पुलिस प्रशासन से कैसे आशा की जा सकती है। दरअसल सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और जनपद सीईओ सिरमौर के बीच बातचीत हुई, जिसमें विधायक ने धमकी दी और कुछ समय के बाद ही जनपद सीईओ के ऊपर पूर्वा में प्राण घातक हमला हो गया था, जिसमें अब विधायक केपी त्रिपाठी और उनके भाई नीरू के साथ एक दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 4 आरोपी जेल में है। पूरा घटनाक्रम किस तरह से घटा आप पहले ही देख और सुन चुके हैं। विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद कई ऑडियो विराट 24 को मिले हैं, जिनमें पंचायत सचिव नगर पंचायत उपाध्यक्ष के भाई विधायक केपी त्रिपाठी का खास कहे जाने वाला विवेक गौतम का भांजा और अन्य अपराधी पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि किस तरह से विवेक गौतम और अन्य को बचाने के लिए विधायक केपी त्रिपाठी अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक दौड़ लगाई और बचाया है, जो अब खुद आरोपी हैं। जो ऑडियो आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में अपराधियों का जाल फैला हुआ है, किस तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और फिर उन्हें बचाने के लिए उनके आका रीवा से लेकर भोपाल तक दौड़ लगाते हैं, किस तरह से किसी भी कार्यक्रम किसी को भी मारने के लिए इन्हें एकत्र किया जाता है और उनकी मदद कैसे की जाती है, हम आपको अलग अलग कई ऑडियो में सुनाएंगे, जिन्हें सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सड़क पानी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार देने की बात कहकर विधायक बने केपी त्रिपाठी अब बेरोजगारों का किस तरह से दुरुपयोग कर उन्हें अपराध के गहरे दलदल में धकेल रहे हैं। आपको सुनाते हैं रोहित शुक्ला नगर पंचायत सिमरिया के उपाध्यक्ष रन्नू पांडे के भतीजे सचिव पिपरा संदीप द्विवेदी और ध्रुव तिवारी जो जेल में बंद है, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह सिमरिया में नाजायज दबाव बनाकर भुगतान करवाने और ना करने पर जनपद सीईओ के ऊपर हमला करवाने अपने साथी अपराधियों को बचाने में विधायक ने कितनी एनर्जी खर्च की है, जो सीईओ से कह रहे थे कि तुम्हें हटाने में अपनी एनर्जी नष्ट नहीं करेंगे। पहले सुनिए संदीप द्विवेदी और ध्रुव तिवारी जो जेल में बंद है उसके बीच चर्चा। जी नहा धो के 15-20 मिनट के अंदर आ जाइए कि भेजी गाड़ी गाड़ी पर साथ में भेजा इनके ना परीब कैसा ठीक है ठीक है हम बताओ भेजता हम फिर मिल ले अपने घर के बाहर। हाँ ठीक हाँ। तुम तैयार जी, जी भैया सुना आपने किस तरह से अपराध को अंजाम देने के बाद फरार होने में इनके गुर्गों ने एक दूसरे की मदद की। अब आपको सुनाते हैं रोहित शुक्ला और तिवारी के बीच चर्चा, जिसमें स्वीकार किया जा रहा है कि किस तरह से ब्रेजा गाड़ी में जाकर हमला किया गया। आपको अंकिता उसने कहा कि रोहित बताएं हम अंकित लल्लू और आना मामा आवा विवेक गौतम भाई आए मातक मामा आए भाई फंस गया हालिक वो नहीं रहा हम पचे ब्रेजर से गान था ये कहा गलत काम तू पचे करवा करता सीओ हुए को मारी तो कहा मिली तो कहा बतावा मामा की रिपोर्ट हो जाता फिर। अरे नहीं मामा तो मिल के बात करी ऐसा बात ना करा मोबाइल में मामा पकड़े रहा है
वही छोड़ दी थी तिथिरा का बराता। हाँ बात करी समझिए पहुँच। हाँ यह कहानी कितनी दाई है बात करी सुना नहीं ठीक काम आ है जी आदेश करिए। वाह कुणाल के 20 रुपया फोन पे कही जाए उन्हें काम आ कुछ वहाँ नहीं चल रहा। मैसेज करा कुणाल के नंबर है कह नहीं यहाँ तुम्हारे पास नहीं कहे यार इतना भरोसा रे कह रिकॉर्डिंग हम जा रही तो तुम रिकॉर्डिंग कह ले आया यार तुम। अरे नहीं हम आ कसम यार कुछ जनता यह केस पूरा लफड़ झंडी जनता है सर अरे खाए प्राण जाते मैं यहाँ दुनिया को कोई सुरंग उड़ा दे दे साल तुम क्या है सुना। हां अंकित तो बस नहीं कहा कि रोहित बताएंगे बहुत मैटर हो जाए कही देगी यार कंडू करी थी हम तो कहा धन हो गया भैया चर्चा ना चाली अपना अपन सुना को अगर कांग्रेसी जनक पहुंची तो भजिया पर नहीं नहीं सुकुल जी ऐसे तो आराम से रहा दी बैस हो गया हम पहुंची से मेरी एक घंटा बिकाई दी फोन दो नंबर भेजी थे। हाँ जी कहा कह रहे हैं कुछ ना भाई था कहा सिस्टम सिस्टम सब ठीक है नंबर वंबर बंद कर दी लागत है नहीं दो निकले जाए थे काहे वह सिस्टम से नाम आ रहा मतलब जो मैटर हो जाए तो सबको पता दे रहा है वहां जो आने जा रहा तो वो कह को का कह दी हो ही आप तीन जन अभी हैं सिस्टम में है अंकित पांडे की फोन है बंद हुई तुम लगा के चेक कर लिया है हम परसों बच्चे निकल जाओ नहीं ना निकल तो ये बागा भूमा निकल जाए तक होई है अब जो रहा वह ग्रुप में जितने ना सब सिस्टम आपका सीधा अच्छा गए अरे का है क्या तुम आई तुम कही बता रहा है ज्ञान काहे का मुंडे तिवारी है तुम अब आई ना तुम बताइए। हाँ अब क्या बताया जाए क्या चल रहा सिस्टम सिस्टम ठीक चल रहा है जी अब अपने ग्रुप में सबके नाम है यहाँ क्या खुला नहीं गो नाम यहाँ मनावा भगवान से खुला नहीं अंकित पांचाल इंदौर चला गया हाँ आराम से रहा है आबा कोई कहाँ का नहीं है बस ये मैटर मतलब कोई रिकॉर्डिंग उठाने के लिए अरे दूरी रह भाई कहाँ पे नहीं बहन हम पचिया ऊपर हाँ मतलब हाँ वहाँ को जाना था तो नहीं रहा है बस ठीक है हाँ अपने हिसाब से रहा है आ समझिया ना या समझिया अब देखा ही थे आबा हो गया फिर जल्दी आबा फिर कहाँ है हम तारी हम गिनते मिला ठीक है फोन लगा के यहाँ के बता रही थी हेलो हाँ ये कहीं जी नहीं रहा हो कि नाम आई कहे अब ये नहीं रहा ग्रुप में जब तीन जन के नाम लगे अगर हो सही सा केस था कहीं बाला है तो जितने ग्रुप में हैं जितने साथ हैं सब तो आएगे ना जब कोई रहा नहीं फिर हम पचे तो बाहर नाम आ जाइए ऐसा ऐसा कैसा तुम कहीं बताते नहीं रहा है जब रहा ना नाम है ये तुम बताओ हाँ किसी से कहने की जरूरत नहीं बाकी कोई ना फंसेगा तो हम पचे बच जाते चार छह बार हैं मामा है माँ सिद्धू भैया भी नहीं रन्नू चाची की गाड़ी फंसी तो ये रन्नू चाची से जाए चाहे बोगा जादू में एक जन जाए पर बस इतना हो ही मामा का छोड़े देते हैं शाम तक बस चले गए सुकुलरे सुकुलरे चले गए हाँ सुकुलरे जन है तो ये जमानत हो जाएगी अरे जमानत का हो ही के छोड़े देते हैं कहा जो ऊपर उल्टा केस लग गई है देखे वो इनके विधायक लगे हैं कल शिवराज सिंह से मिले गिरे सांच के मामा की छूट गई यार सांच के जेल में हुआ भाई थी ना पर तो होती नहीं जेल में ठीक जब रहा नहीं बहन हम पचे तो वहाँ पचे इनके कहा हब है नहीं तो आई होगी अपना यहाँ से मरिए थे वो थी बात सुना आपने यह विवेक गौतम का भांजा है जो बता रहा है कि उसके मामा को भी पकड़ा गया था लेकिन छोड़ दिया जाएगा अपराधियों को एक एक मिनट की जानकारी थी लेकिन पुलिस जो साइबर की मदद से अपराधियों को पकड़ने की बात करती है वह अभी भी इन्हें पकड़ने में अनदेखा कर रही है। हम आपको सुनाते हैं अंकित पांडे और ध्रुव तिवारी के बीच हुई चर्चा जो एक दूसरे की मदद के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और पूरे मामले को दबाने के लिए चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि उन्हीं लोगों ने सब किया है। ठीक कौनो दिक्कत नहीं है नंबर दे उनका था बोल आई सर रुक जाए एक मिनट 62-65 कितना 62-65 62-65 09 19-11
19 11 यार रोहित शुक्ल का यार को बता, इस तैया बताओ का रोहित शुक्ल, रोहित शुक्ल पूरे हार 3535 3535 का इलाज है। अरे भाई जब जाना तुम सुनते एक काम हो करे कहते हैं वाले रहे तो रोहित के प्यार तो चल हम बात कर ले इनसे 62 65 0 91 911 पे लगा। हाँ। अब आपको सुनाते हैं रन्नू पांडे और ध्रुव तिवारी के बीच हुई चर्चा का ऑडियो, जिसमें खुद आरोपियों को भगाने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। ये कहें रन्नू भैया से बात ना हुई? रन्नू भैया यहीं थे, बात कराओ। हाँ हाँ भैया प्रणाम, यह कहें आवत थे कोई गाड़ी लेके आई थे? हाँ गाड़ी है, मेजबाई से तू मॉनिटर है। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं तो सही हूँ। सुना आपने, विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा सीईओ को धमकी, इसके बाद अपराधियों को भगाने में नगर पंचायत उपाध्यक्ष रन्नू पांडे और आरोपियों को बचाने में विधायक ने किस तरह से एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। यह बात अलग है कि अब खुद आरोपी बन गए हैं और सलाखों के पीछे जाने की नौबत आ गई है, तो कोर्ट और न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं। ऑडियो सुनकर आप स्वयं अनुमान लगा लिए होंगे कि सिमरिया में किस तरह से बेरोजगारों को अपराधी बनाया जा रहा है। हालांकि विराट 24 न्यूज उक्त ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब देखने वाली बात यह है कि उक्त वायरल ऑडियो की पुलिस सत्यता की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार करती है या अभी भी सत्ता के दबाव में नतमस्तक दिखती है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।